Hi. For the given question, we have a relation between m and alpha beta. Further, we know that we need to find alpha asterisk plus beta asterisk, where alpha asterisk is nothing but minimum value of alpha and beta asterisk is the minimum value of beta. So further, what we can do is we can write determinant of m first, because we have m inverse. So determinant of m will be nothing but क्रॉस मल्टीप्लाइंग से डायगनल एलिमेंट्स मेन डायगनल माइनस ये दूसरे दो राइट सो जब ये कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है साइन पावर फोर थीटा कॉस पावर फोर थीटा प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो दिस विल बी टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर फोर थीटा कॉस पावर फोर थीटा सो फिलहाल के लिए विल कीप दिस एज इट इज रिमेंबर एम इनवर्स जो रिलेशन में दिया हुआ है m inverse is nothing but adjoint of m divided by magnitude or say determinant of m abhi filhal ke liye nikal ke rakha hai humne to aage let's write m equals to alpha i matlab identity matrix jiske main diagonal elements 1 1 baki sab 0 alpha multiply hone pe we'll get alpha and alpha in main diagonal baki sab 0 aur dusra tha beta into m inverse so we can write beta divided by डिटर्मिनेंट ऑफ एम और एडजॉइंट क्या होता है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स में एडजॉइंट इज नथिंग बट चेंजिंग द मेन डायगनल एलिमेंट्स कॉस पावर फोर थीटा साइन पावर फोर थीटा की जगह ले लेगा साइन पावर फोर थीटा कॉस पावर फोर थीटा की जगह लेगा तो फर्क और बाकी दोनों की साइन चेंज यही होता है एडजॉइंट सो कॉस पावर फोर थीटा साइन पावर फोर थीटा साइन चेंज तो माइनस मल्टीप्लाई बाकी दो एलिमेंट्स में ये हो गया हमारा इक्वेशन जिसमें वी कैन कंपेयर एंड से साइन पावर फोर थीटा यानी कि ए वन वन एलिमेंट ऑफ एम विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू कॉस पावर फोर थीटा है ना सिर्फ ये एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं हम बाकी कुछ नहीं कर रहे तो ऑन कंपेयरिंग दिस एक रिलेशन मिला एंड दूसरा अगर कंपेयर किया कौन सा एलिमेंट a12 है यहाँ पर माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ तो जीरो प्लस बीटा बाय डिटरमिनेंट ऑफ m इनटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट जिसमें आपस में आमने सामने वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे माइनस वन बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m एज यू कैन ऑब्जर्व सो बीटा मिलेगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m with beta as minus of det of m hame kya find karna tha interest tha minimum value of beta asterisk so kya karenge hum yahan par beta pehle log likh lete hum theta ke terms mein aur fir iski minimum value kab milegi hame if you observe or if you remember iski value milegi at theta equals to pi by 4 right jab theta pi by 4 hoga tab jaake ye minimum dega hame अगर चेक करना चाहे तो और कोई तरीका है क्या इसे चेक करने का यस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को टी एज्यूम कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी एट माइनस बी बाई टू ए तो वहां से भी निकाल सकते हो ये चीज बट फिलहाल आई एम राइटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा सारी वैल्यूज होगी 1/√2 का पावर 4 किया तो 1/4 1/√2 का पावर 2 किया तो 1/2 सिंपलीफाई किया तो बीटा की मिनिमम वैल्यू आई हमारे पास -37/16 सो जो दो का सम करना था उसमें एक पार्ट क्लियर हो गया दूसरा पार्ट बचा हुआ है अल्फा मिनिमम सो फॉर अल्फा वी विल यूज इक्वेशन 1 जहां पर अल्फा विल बी इक्वल टू sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा कैसे ये बीटा क्या था माइनस ऑफ डेट ऑफ एम दोनों आपस में काट लेंगे और माइनस बचेगा माइनस कॉस पावर फोर थीटा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन पावर फोर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा दिस वी कैन राइट इट एज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज एक्सपेक्टेड कि अगर 4 हो तो याद रखें हम ये अगर 6 हो तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना नहीं याद है तो फिर एग्जाम में करने बैठेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा and then we'll replace sin square plus cos square as 1. All right, but we should not do that. We are always running out of time in the examination hall. So, yaad rakhna hai hume ise. Yaad rakha to ab kis mein interest hai hume again? We are interested in minimum value of alpha. So, for that, we can write this as 1 - 1/2 times of sin square 2 theta.
अब साइन स्क्वायर टू थीटा के आगे तो माइनस है, मतलब साइन स्क्वायर टू थीटा जब मैक्सिमम होगा तब ओवरऑल अल्फा मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम ऑफ साइन एनी थीटा इज वन, तो इसकी भी मैक्सिमम वन होगी, तो वन इंटू वन बाई टू, वन बाई टू, और आगे वन माइनस वन बाई टू, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी वन बाई टू, विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एज वन बाई टू वी कैन गेट अल्फा एस्ट्रिक प्लस बीटा एस्ट्रिक एज -31/16 विच इज योर ऑप्शन बी. सो क्वेश्चन लेंदी था बट यू कैन नॉट से कि डिफिकल्ट था. ऑल राइट, आना क्या चाहिए? मैट्रिक्स के फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में इनवर्स, इनवर्स में यू शुड अंडरस्टैंड कैसे फटाफट इनवर्स फाइंड करना है, और ट्रिग्नोमेट्री के सम रूल्स. अगर ये चीजें पता है तो वी कैन गेट दिस आंसर करेक्ट. थैंक यू.